नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरू। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी फेज की वोटें, इसमें 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे जन औषधि दिवस के अवसर पर जन औषधि केंद्रों के मालिकों और लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच पोलैंड में शांति समझौते पर तीसरे दौरे की बातचीत हो सकती है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा आज आइकॉनिक वीक की शुरुआत हो रही है। इसके तहत एक स्कीम डोनेट अ पेंशन शुरू की गई है। इसमें देश के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई श्रम की रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। वही इलेक्शन कमीशन इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 को होस्ट करेगा। सीबीआई ने कोलोकेशन घोटाला मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को दिल्ली से गिरफ्तार किया। वही आईपीएल 2022 को शेड्यूल जारी हो चुका है। पहले मैच में चेन्नई और कोलकाता का मुकाबला होगा। ये मैच 26 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। बीसीसीआई ने अभी सिर्फ लीग मैचों के वेन्यू और तारीखें घोषित की हैं। प्लेऑफ और फाइनल के बारे में कुछ भी साफ नहीं किया गया है। आईपीएल की दो नई टीमें लखनऊ और गुजरात 28 मार्च को अपना पहला मैच खेलेंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू होगा। 9 मार्च को पेश होगा बजट। वहीं पीएम मोदी ने पुणे में मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, खुद टिकट लेकर सफर किया, रास्ते में स्टूडेंट से भी बातचीत की। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने पाकिस्तान को 107 रनों से हराया। खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें वोकल न्यूज शहडोल।